सिंगल दिवाली के साथ भाई के रसी आज गंगा परिषद तुम्हारी भाभी सिंगल दिवाली है उसका साथ छुटकी ही है क्या कर बोलो क्या समाचार सुना रहे ठीक है समाचार तो कला से पूछे नहीं है इसमें क्या बड़ी बात है देखता हूं भाभी कैसे है और हमारे पत्नी कैसे भाभी भाभी जी की जय हो भाभी जी क्या समाचार है राजमहल की बहुत अच्छी तरह देवर जी लेकिन आपको हाल कैसे है देवर जी देवर काला की हाल तो आप खुद ही जानते हो भाभी बारह बरस पीते हुए कहानी है हम चाचा जासर को श्री पांच फल फलिया को लिए मौत का डाला सैम उसे गर्दन काट कर बरगद गाछ को झुला दिया अभी तक ठठरी में अपने पगला पर टांग देता हूं उसी दिन से मैंने अपने बहन गौरा की तुम्हारे साथ हवाला लगाया हो सकता है कहीं तुम दोनों की ममता आ गया हो गौरा को साथ तुम ऐसा जैसा मेरा भैया बताया गया है वो आदेश का पालन नहीं करता हो आपको भैया एक बात बोले है मैं चार बात बना के सौ दिन को हाल करती धन्य हो भाभी क्या तुम्हारी पत्नी नंदिनी आई है क्या उनसे मैं थोड़ा बात कर सकता हूँ कर दीजिए आपको पत्नी है कर दीजिए अभी बात कर दीजिए नहीं भाभी वो मैं जानता हूँ कि हमारी पत्नी है लेकिन जब तक आदेश भाभी की ना हो बड़े भैया की ना हो तो ये परंपरा हमारी राजस्वरी का टूट जाएंगे इसलिए कि आपसे मेरा हक लेना पूछ लेना कोई बड़ी बात नहीं जाकर के अपनी पत्नी से मुलाकात कीजिए ठीक है मैं जा रहा हूं आप देवर जी से जाके मिल लो अपनी दिन की बात बताना देवर जी से हाँ कि अपने पति को सर अपने से ऊंचा रखे प्यारी गुणवंतनी तुम्हें बुलाने की कारण यही है राजसुरी बंगला हम दोनों भाई सोचा हो कि बारह बरस तीन बीत गया किस हाल में गौरा की रखती है कैसे गौरा है हो सकता है कहीं ब्याही को ममता हो गया हो हमारे पत्नी को भी ममता बढ़ गया हो नहीं पतिदेव ऐसा कोई बात नहीं है क्या जितना बताया गया है हाँ पतिदेव मैं 14 घर वाला 14 लाख मैं मारती हूँ सुबह शाम आप जैसे बताए वैसे मैं करती हूँ धन्य हो प्यारे धन्य हो बोलिए जोगी सराय बलरा अच्छा जोगी सराय बलरा
पीले टंजमा जो कि सराय बन रहा ये हमारे प्यारी कुंड मंत्री को लिए 10 रुपया कब कल राउंड तक तेल मिलता प्यारी धन्य हो पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी भाभी हो तो हमारे हरिकंजनी जैसी भाभी जहां जाओ पहले इतना बताया गया था 7 बरनी सुबह और 7 खरारा शाम और तुम्हारा चाल दिया जा रहा है भैया झगड़ू का हुक्म है कि आज से जितना राजस्वरी का आयल मैल जितना बागों की भात स्वाद जितना अचरा कचरा हो वो सारे को सारे गौरा करेगी और उसको साथ ऐसा अत्याचार करना कि अल्हा उतला तिवला को अफसोस में अपना सांस बैठा ले क्योंकि भैया झगड़ू की कसम है हम जब तक जीता जिंदगी रहो हम उसे सर को बाल पका देंगे तुम अपनी महल में आराम करो भाई क्या काशी अय्या झगड़ू
चरोसन बंगला पर बैठकर दोनों भाई ठंडा हवा खाएंगे, याद सताएंगे शत्रु चाचा जासन को, जब याद सताएंगे किनकर सौ सौ कोरा लाशा हुआ लाश पर मारेंगे। तब चलिए हो जाइए तैयार, चलेंगे रासोली, चलो बंगला पर बैठ कर विचार करेंगे। बाजरा तैयार हो जाओ, कसके घोड़ी हो जाओ तैयार, ये लाल ये चल ये सब झक्कर उड़े कर चल सोनरी। Yeah!
नाच पार्टी को लिए चाय भेज दीजिए, इसलिए कि एक बज गया है, डेढ़ बजने वाला टाइम है, दो बजने वाला है, कम से कम एको कप चाय तो अभी लाइए, चाय में बहुत विलंब है। सुचना समाप्त हुआ।